तो अभी हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीड़ा कुर्ता पहन लेते हैं कि अच्छा लगना चाहिए। हल्दी के रंग में हम रंग जाएंगे। तो फाइनली फन टाइम हम तैयार है हल्दी के लिए, तो लेट्स एंजॉय हल्दी फंक्शन। फाइनली हमारी बारी आ चुकी है, तो अब हम हल्दी लगाएंगे दुल्हन को। पहले इस तरह से हमें गेंदे के फूल में हल्दी लेनी है और बाद में ऐसे चेहरे पर। इस तरह से देखो, कोई लड़की देख रही है तो मेरे दुल्हन की भी मुँह की हल्दी लगा ली है, तो मेरे मेरे पहले हो ऐसा इनका मानना है। बाद हम इसको पैसे देते हैं, पर मैं छोटा भाई हूँ इसलिए मैं लूंगा लूंगा नहीं। विधि से पहले वो एकदम नीट और क्लीन लग रही थी, पर विधि के बाद एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, रंग बदल दिए, ऐसे कुछ हालात है। और हल्दी बल्दी सब रस्म खत्म हो चुकी है, और हमारी असिस्टेंट भी हमें मिल चुकी है जिसने हमारा काम बढ़ाया नहीं आसानी किया है, और इनका नाम है श्राविया जी। आपने खाना खा लिया, हल्दी की रस्म एंजॉय कर ली। यस, हमारी सरप्राइज की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। काकी अभी जो हुआ उसको क्या कहते हैं? होती क्यों है वो? होती क्यों है ये? वो पियर वाला वो लड़की को देता है पैसा, साड़ी, कोई वाशन, गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट देते हैं। सो फन टाइमर्स, अभी डिनर के लिए हमारे पास है पूरी, गुजराती पूरी, मियाँ दिल्ली के छोले, मियाँ हैदराबादी बिरयानी वेज, और उसके बाद है थोड़ा सा संभारा, थोड़ा सा सलाद और पापड़। तो हम थोड़ा सा काम में मसरूफ थे इसलिए आपको थोड़ा सा लेट से इंट्रो मिल रहा है, तो थोड़ा सा हम खा लेते हैं और खिला देते हैं, बाद में आपको मिलेंगे। फाइनली अब हमारे डांस की परफॉर्मेंस की बारी अब आने वाली है। एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड। अब हम पकअप ना करते, उसकी देर नहीं होना चाहिए, देखते हैं। वो फन टाइमर्स, तो हमारा डांस परफॉर्मेंस भी अच्छा गया। हमने यार
आपको पसीना देख के लग भी रहा होगा कि हमने क्या नाचा है बे, मतलब कि तेज फाड़ स्टेज फाड़ नाचा है बे। वाह, कल हम डांडिया नहीं खेल पाए, उसकी पूरी की पूरी कसर हमने आज पूरी कर दी भाई साहब। इतना नाचने के डांस करने के बाद अब हम वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे हॉल में। यो वेडिंग प्रिपरेशन रूल, दो लोग हैं और मैं अकेला उठा रहा हूँ, मतलब आई एम द बाहुबली गाइस, आई एम द बाहुबली। तो यार ये कपड़े वपड़े भी हम सुबह को ही बदलेंगे, इतने थक चुका हूँ मैं कि अब कपड़े भी सुबह हम बदलेंगे ना के एकदम फ्रेश ब्रेश होकर। तो मोस्ट ऑफ हमने आधे से ज़्यादा तैयारी अब कर चुकी है रात में ही, तो बाकी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो हम सुबह करेंगे, करके सुबह मतलब कि 2-3 घंटे में ही, क्योंकि सुबह ऑलरेडी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा पावर लैप हम ले लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर अ फन विद फन टाइम, लेट्स गो फॉर अनदर फन, थैंक यू गाइज। दीदी हसो तो एक बार, मन लगा लगा रहा हूँ। तो विधि से पहले वो एकदम मतलब तो ये कुछ वारदात के बाद का सीन है, अब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से नजीक से, तो चलिए देखते हैं। तो अब मंडप वाले के लिए एक सूचना है यार, ऐसा तो मत करो बे, इस तरह से तो मत उठाओ ये कि फोटो में अच्छा ना लगे, ये फोटो में अच्छा ना लगे इस तरह से कुछ। अब यार यहाँ पर पाँव की छाप है, वो भी कीचड़ वाली, वो ऐसे ही यार आपने रख दिया है, तो इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है जिससे हमारी विधि में जो पीठी विधि है उसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई मुश्किल भी ना हो, इसलिए वो मैं अब देखो ये आइडिया मेरा है, रॉयल्टी भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये। अबे भाई कितना मेहनत करेगा, रहने दो। कुछ हमने जुगाड़ कर लिया है मंडप वाले, यार ऐसा मत करो भाई, हमारी जो एक मूवमेंट होता है उसको खराब मत किया करो, आगे से ध्यान रख। बाकी की तैयारी हम सुबह करके, सुबह मतलब कि 2-3 घंटे में ही, क्योंकि सुबह ऑलरेडी हो, तो अब हम आराम फरमाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो थैंक गाइस फॉर फन विद फन टाइम, तो थैंक गाइस फन विद फन टाइम।